माई सेल्फ नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज मैं डीलेट सेकंड ईयर सब्जेक्ट क्लास के अंतर्गत या सेवन सब्जेक्ट कोर्स में यूनिट फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इस यूनिट फर्स्ट में सीखने सिखाने के विविध संसाधन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने सीखने सिखाने के विविध संसाधन में हम लोगों ने गणित क्लब, गणित प्रयोगशाला, गणित मेले के बारे में देख चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कम कीमत में हम सीखने सिखाने के अधिगम सामग्री का निर्माण कैसे करते हैं। इसके द्वारा से अधिगम सामग्री का निर्माण सीखने सिखाने के विविध संसाधन के रूप में कैसे करते हैं, इस बिंदु को आज हम देखने का प्रयास करते हैं। गणित जिस कम कीमत में शिक्षण अधिगम सामग्री बनाना, लो कास्ट में हम शिक्षण अधिगम सामग्री कैसे बनाएंगे। गणित के शिक्षण अधिगम में रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को अस्थायी बनाने हेतु गणित के शिक्षक को अनेक प्रकार के साधन का प्रयोग करना पड़ता है। गणित शिक्षण अधिगम को इन बच्चों में रुचि उत्पन्न करने के लिए और उनके ज्ञान को अस्थाई बनाने के लिए, जो लॉन्ग टाइम परमानेंट हो जाए, लंबे समय तक मन मस्तिष्क में बना रहे, उसके लिए गणित शिक्षक को अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। अपने शिक्षण के दौरान वे जो साधन होते हैं शिक्षक के उद्देश्य पूर्ति में सहायक होते हैं। शिक्षक के उद्देश्य पूर्ति का मतलब शिक्षक जो विशिष्ट उद्देश्य लेकर कक्षा कक्ष में आया हुआ है 40 मिनट की कक्षा में, उस अपने विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति सहायक सामग्रियों के माध्यम से बड़े सहज भाव में आसानी से कर पाता है। इसलिए उसका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने में भी सहायक सामग्री का बड़ा योगदान होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसे शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब जिसे शिक्षक सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री भी कहते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एप्स या शिक्षक सहायक सामग्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये सामग्री महंगी सस्ती दोनों हो सकती हैं। यहाँ पर हम आपको अधिगम के कुछ सामग्री का नाम बताएंगे, बताएंगे कैसे बनाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे, जो कम कीमत में हम लोग डिजाइन कर सकें ना? बाल्टन ने एक डिफिनेशन दिया अधिगम सामग्री के बारे में। इन्होंने बताया कि वह सामग्री या वस्तु जो अधिगम को प्रारंभ एवं प्रेरित करती हो उसे पुनर्बलन प्रदान करती है। जो अधिगम सामग्री या वस्तु ऐसी होती है जो हमारे अधिगम को स्टार्ट करे, प्रारंभ कर दे और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर दे, अधिगम के लिए प्रेरित भी कर दे और उससे बच्चों को रिइंफोर्समेंट भी मिले। रिइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलित हों, उसको धनात्मक पुनर्बल मिले जिससे वह सही दिशा में अग्रसर हो, जिसे हम कहते ना कि इसके ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए हम उसका प्रत्यक्षीकरण कर दें। प्रत्यक्षीकरण मतलब कि सकारात्मक परिवर्तन, धनात्मक परिवर्तन, जो हमारे ज्ञान चक्षु है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां कवर कर रही हैं, उसका हम अर्थ प्रदान कर दें। अर्थ प्रदान का मतलब उसका मीनिंग हमारी मन मस्तिष्क समझ जाए, इसे हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। खैर, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अधिगम सहायक सामग्री का महत्व एवं आवश्यकता, इसका क्या इम्पोर्टेंस है सहायक सामग्री का। सहायक सामग्री ध्यान आकर्षित करने का सबसे उत्तम साधन है। किसका ध्यान आकर्षित करने के लिए? छात्र का। इसके माध्यम से हम सभी छात्रों को अब ध्यान शिक्षक की तरफ अचानक आकर्षित कर लेते हैं। खैर, कक्षा कक्ष में शिक्षक की तरफ ध्यान आकर्षित रहता ही है विद्यार्थियों का, लेकिन किसी एक मेथड से, जैसे शिक्षक कक्षा कक्ष में किसी एक ही मेथड से बच्चे को पढ़ा रहा है, चाहे लेक्चर मेथड्स हो, चाहे प्रश्नोत्तर मेथड्स हो, क्वेश्चन मेथड्स हो,
या विस्तृत सूचना प्राप्त तकनीक के माध्यम से सूचना ले रहा हो शिक्षक, तो यह एक ही मेथड से काफ़ी टाइम तक शिक्षण कार्य किया गया एक ही विधि से, तो वह रुचिकर न होकर अरुचिकर हो जाता है, उबाऊ हो जाता है। उस स्थिति में शिक्षक को अपने स्किल का परिवर्तन करना चाहिए। इस दशा में शिक्षक को एक स्किल में पारंगत होना चाहिए। इसी प्रकार इसी की कड़ी में सहायक सामग्री भी होता है। उस समय शिक्षक को ऐसे सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए जब छात्र देखें कि छात्रों का मन नीरस की ओर बढ़ रहा है, एक ही विधि का काफ़ी समय से प्रयोग किया जा रहा है, अब इसको समझाने के लिए हम सहायक सामग्री का हेल्प लेंगे, तो उससे छात्रों का ध्यान आकर्षित होगा और बड़े ध्यान से छात्र उस चीज़ को स्पष्ट रूप से सीख पाएंगे। नेक्स्ट, छात्र, इनके द्वारा छात्रों की रुचि उत्पन्न होती है, इससे छात्र इंटरेस्टेड भी होते हैं, रुचि उत्पन्न होती है। रुचि उत्पन्न करने का मतलब छात्र सीखने के लिए प्रेरित हो जाते हैं ऑटोमेटिक, जैसे अंदर से देखिए सहायक सामग्री का उपयोग आपने किया, जो चीज़ें आप ब्राह्मण जैसे हम कक्षा में हैं और बच्चे को विश्व का नक्शा के बारे में, विश्व के बारे में बता रहे हैं, भारत के बारे में बता रहे हैं, हमने भारत की जलवायु के बारे में बताया, भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में बताया, तमाम बिंदु पे हमने चर्चा कर दिया। अब हमने देखा कि अब भौगोलिक क्षेत्रों में हमने भारत को डिवाइड कर दिया, और बालक काफ़ी समय से देख रहा है, हमारे लेक्चर मेथड्स को सुन रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए, 5 मिनट के बाद अपने स्किल में परिवर्तन सहायक सामग्री के माध्यम से कर देना चाहिए। इसमें शिक्षक को ब्लैक बोर्ड, चार्ट या ग्लोब की हेल्प से वो अधिकम सामग्री का प्रयोग करके उसके मैप के बारे में, भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में जब बच्चा अध्यापक बच्चों को बताएगा, तो बच्चा बड़े सहज भाव में रुचि के साथ सीखेगा। अर्थात जो सहायक सामग्री होता है छात्रों में रुचि उत्पन्न भी कर देता है, रुचि उत्पन्न करने में भी सहायक होता है, इसलिए इसका इम्पॉर्टेंस कक्षा कक्ष में बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इसके प्रयोग से बालकों का अधिगम शुद्ध एवं अस्थायी हो जाता है। इट मीन्स जब हम शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करते हैं तो इसका बालकों का जो अधिगम होता है, जहाँ पे उन्होंने कुछ सीखा उसमें उनको कुछ त्रुटि लगी या कुछ ज्ञान में अशुद्धि लगी, उससे उनकी जो कमी, जो सीखने में उनको समस्या कम लग रहा है, जिसका ज्ञान उनका छोटा था, अब सहायक सामग्री की हेल्प से उनका डाउट क्लियर हो जाता है, और जो उन्होंने सीखा वो लंबे समय तक उनके स्मृति में भंडारण रहता है, इस स्टोरेज रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके अधिगम शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से बालकों के अधिगम शुद्ध एवं अस्थायी हो जाता है, इसलिए शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम में विविधता आती है। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करने से शिक्षण अधिगम में विविधता आ जाती है। विविधता का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के अधिगम का स्किल्स का प्रयोग करके, सामग्री का प्रयोग करके हम देखेंगे कि हमारी कक्षा रोचक पूर्ण हो गई, मिसेलियस हो गई, सभी स्किल को ध्यान दिया गया। इस प्रकार से इस सब बिंदुओं को ध्यान देते हुए सहायक सामग्री का इतना इम्पॉर्टेंस हमने देखा, इसके लिए सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा कक्ष में बढ़ जाता है, इसलिए इसके माध्यम से शिक्षण कार्य करने से हमारी कक्षा रोचक हो जाती है और बच्चों में सहज भाव में सीखने की प्रवृत्ति भी जागृत होती है। कम कीमत में अधिगम सामग्री बनाना, कौन कौन से ऐसे अधिगम सामग्री हैं गणित में जो हम कम कीमत में बना सकते हैं, ऐसे शिक्षण सामग्री जो कम कीमत में बनाई जा सके वो सस्ती हो, जैसे कागज़ पे बनाने वाली विभिन्न आकृतियां, त्रिभुज, बच्चे को त्रिभुज का ज्ञान देना हो, हम तो त्रिभुज के साइड के बेस पे और एंगल के बेस पे, दोनों बेस पे ट्रायंगल को डिवीजन बच्चों को समझा दिया ब्लैक बोर्ड पे, ये ट्रायंगल ट्रायंगल के बेस पे है, ये साइड के बेस पे है, अब हमने दोनों आधार पे उसके एंगल के प्रॉपर्टी बताई, एंगल के ट्रायंगल के बारे में बताया,
अब हम वही काम यदि ब्लैक बोर्ड पे या चार्ट बना के जाएं, होमवर्क बना के जाएं, विभिन्न प्रकार के ट्रायंगल्स के आकृति एंगल के बेस पे, साइड के बेस पे बना के जाएं, कक्षा कक्ष में बच्चों के सामने जब प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे को त्रिभुज का जो कंसेप्ट है अस्थाई हो जाएगा, शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर जाएंगे, जो उनको लेक्चर मेथड ब्लैक बोर्ड पे हमने बनाया जो कमी दिखी और अस्पष्ट हो गई, उनमें रुचि भी उत्पन्न हो गई और सहज भाव में अधिगम हुआ। इतना इम्पोर्टेंस अधिगम का, शिक्षण अधिगम सामग्री का शिक्षण के दौरान बढ़ जाता है। चतुर्भुज भी बना सकते हैं, सर्कल वृत्त भी बना सकते हैं, मिट्टी की गोली ही बड़े सस्ते माध्यम से, सीमित माध्यम में हम कम कीमत के अधिगम सामग्री का, बच्चे को काउंटिंग का ज्ञान देना हो, काउंटिंग का ज्ञान देना हो मतलब हम बच्चे को गिनती सिखा रहे हो, छोटा बच्चा है तो उसके लिए मिट्टी की गोली बना के कक्षा कक्ष में जाया जाए तो इसका काउंटिंग का कंसेप्ट बच्चों में सहज भाव में सिखाया जा सकता है और ये एक अधिगम सामग्री का भी रूप ले सकता, अधिगम सामग्री के रूप में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एबाकस मिट्टी के गोला, एबाकस के द्वारा जो एबाकस नहीं होता जिसमें स्थानीय मान के कंसेप्ट बच्चों को देते हैं, गिनती के कंसेप्ट बच्चों में देते हैं, एबाकस एक रो होता है स्लेट की टाइप में, एक रो में एक क्वाइन, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, तीसरे राड में चार, इस प्रकार से हम फिगर बनाते हैं, जैसे बाकस टाइप में बनाते हैं ऐसा। अब हमने कहा मिट्टी का गोला लगा दिया, इसमें एक, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार, इस वाले में पांच, इस प्रकार से ऐसा रहता है बाकस टाइप में। इस प्रकार से हम गोला बना के जाएं दिखाएं तो बच्चे के अधिगम में सहायक का काम कर सकता है। डिब्बे या घन घना पेपर इत्यादि को हम सहज भाव में कम कीमत में भी बना सकते हैं, ग्राफ पेपर घन घना डिब्बे से के रूप में कम अधिगम सामग्री, कम कीमत में अधिगम सामग्री हम बना करके कक्षा कक्ष में जा सकते हैं। जैसे कम कीमत में अधिगम सामग्री के लिए हम जैसे अधिगम सामग्री की बात कर रहे हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री सस्ती होनी चाहिए तो जिसे आस पास के जो हमें खराब वस्तुएं निकलें उससे भी हम सामग्री का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री सस्ती होनी चाहिए तो इससे हम आस पास जो खराब खाली चीज़ों से बना सकते हैं, जैसे घर में उपयोग की जाने वाली माचिस, घर में उपयोग की जाने वाली माचिस की डिब्बी निरर्थक है, उससे हम बच्चे का घन का कंसेप्ट दे सकते हैं, घनाप का कंसेप्ट दे सकते हैं। माचिस का डब्बा, टिन के बेलनाकार डिब्बे से हम बेलन का कंसेप्ट, सिलेंडर का कंसेप्ट, त्रिकोण का कंसेप्ट दे सकते हैं। कागज पर हम अनेक प्रकार की ज्यामिति आकृतियां बना सकते हैं, मिट्टी के ठोस गोले शंकु बेलन बना सकते हैं, कील या धागे से प्रकार का काम कर सकते हैं, माचिस का डब्बा, चाक का डब्बा, कलर कागज घनाप के रूप में उपयोग कर सकते हैं, सहायक सामग्री बना सकते हैं। सांप सीढ़ी के डायस पे घनाप बना सक कर बच्चे को समझा सकते हैं, छोटी प्लास्टिक की गेंद में गोला या चूड़ी से वृत्त के बारे में बच्चों को हम समझा सकते हैं। इस प्रकार से त्रिभुजों के बारे में आदि बातों को हम बच्चों को बड़े सहज भाव में अधिगम सामग्री के रूप में समझा सकते हैं। आइसक्रीम के कोने व जोकर के कागज, टेप, कोन की आकृतियां से हम कोन को बच्चों को समझा सकते हैं, कोन का कंसेप्ट दे सकते हैं। आइसक्रीम का कोन, वो भी कोन है, इज लाइक कोन ही है। जोकर का जो कांच का कोना टोपी पहनता है, टोपी, वो भी कोन का कंसेप्ट है।